नमस्कार दोस्तों, वेलकम आप सभी का। तो दोस्तों, आज आईपीएल के दो मैच खेले जाएंगे, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच पहला मैच, और दूसरा मैच जो खेला जाएगा लखनऊ वर्सेस पंजाब के बीच। कहां पर खेला जाएगा दोस्तों? इकाना स्टेडियम लखनऊ में। तो इस मैच के लिए क्या पिच रिपोर्ट्स है, इस मैच के लिए कौन ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स होने वाले हैं, क्योंकि आज के मैच में आपको दो तीन ऐसे प्लेयर्स दिखने वाले हैं जिनका लो सिलेक्शन है और उनका परफॉर्मेंस करना तय है, यानी कि वो परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो आज कितने बैट्समैन लेकर चले, कितने ऑलराउंडर लेकर चले, कितने बॉलर्स लेकर चले, बॉलर्स आज हम ज्यादा ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं वो वीडियो में बात करेंगे कि बॉलर्स आज क्यों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और कैप्टन वाइस कैप्टन बॉलर्स बैट्समैन में से किसको बनाने वाले हैं, क्या प्लेइंग 11 होने वाली है, कौन कैसा परफॉर्मेंस कर रहा। तो दोस्तों सारी बातें वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम अपना यूनिक प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं जो जीएल और एसएल दोनों के लिए होने वाला। तो सबसे पहले दोस्तों पिच रिपोर्ट्स पर एक नजर डाल लेते हैं कि पिच रिपोर्ट्स कैसी है। इकाना में यह मैच खेला जाएगा जहां पर अब तक इस आईपीएल के दो मैच खेले गए हैं, एक मैच फर्स्ट टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने और एक मैच सेकंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने विन किया। वहीं पर बात करें तो दोस्तों बैलेंस पिच ये बताई जाती है जिस पर एवरेज स्कोर 157 का है, हाई स्कोर 193 जा चुका है। वहीं पर दोस्तों 150 से नीचे इस पिच पर एक बार और 190 से ऊपर एक बार स्कोर बना, जो इस टूर्नामेंट के दो मैच खेले हैं, एक में लो स्कोर हुआ है, एक में हाई स्कोर हुआ है। वहीं पर बात करें तो यहां पर स्पिनर्स को थोड़ी ज्यादा हेल्प है, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को, पेसर्स को 4 विकेट्स 1 विकेट, राइट आर्म फास्टर को 1 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 9 विकेट्स है, वहीं पर स्पिनर्स को 3 या 4। यानी कि जो बात की जाए दोस्तों पिच के, एक बार रिसेंट मैच और देख लेते हैं ताकि और थोड़ा अनुमान हो जाए, अच्छा से पिच रिपोर्ट समझ में आ गई तो टीम स्ट्रक्चर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो जो लास्ट मैच सनराइजर हैदराबाद वर्सेज एलएसजी के बीच खेला गया था उसमें 121 रन बनाए हैदराबाद ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए, 8 विकेट गिरे, जबकि एलएसजी ने आसानी से चेज कर लिया, 5 विकेट इनके भी गिरे। पेसर्स को 4, स्पिनर्स को 8 विकेट मिला। जो एक और मैच खेला गया एलएसजी ने इस मैच में 193 रन बनाए, 6 विकेट गिरे। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स 143 रन, 9 विकेट गिरे। 11 पेसर्स को, 4 स्पिनर्स को। यह मैच न्यूजीलैंड और इंडिया का था, लो स्कोर मैच हुआ था, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का था, इसमें ठीक ठाक स्कोर हुआ था। विकेट्स इस ग्राउंड पर अच्छे खासे गिरते हैं, इसलिए सबसे पहले तो बात है आज के मैच में बॉलर्स इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्यों? क्योंकि देखो आप 8 विकेट्स 5 विकेट्स 6 विकेट्स 9 विकेट्स 8 विकेट्स 4 विकेट्स, यानी कि अच्छे खासे विकेट्स गिरे, और तकरीबन ज्यादा हाई वैल्यू ये नहीं है कि इस पर बैटिंग करना आसान हो। इस मैच में भले ही एलएसजी ने पहले बैटिंग करते हुए अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया क्योंकि विकेट्स नहीं गिरे थे और सामने वाली टीम पर प्रेशर था, और कायल मार्श इसमें थोड़ी हिटिंग कर गए थे इसलिए इतना स्कोर कर पाए, नहीं तो इस मैच में आप मान सकते हो कि 150 से 160 के बीच ही आज के मैच का स्कोर होने वाला है। जब हमको पता है 150 से 160 के बीच स्कोर होगा तो हम उसी के हिसाब से टीम बनाएंगे, तो जीतने के जीएल भी और एसएल भी 100% चांसेस होने वाले। तो टीम का स्ट्रक्चर क्या होने वाला दोस्तों? जिस तरह के पिच है, विकेट्स गिर रहे हैं, तो मैं एक विकेट कीपर लेकर चलूंगा, मैं अपनी टीम में 3 बैट्समैन लेकर चलूंगा। जिस एप्लीकेशन पर आप 1 या 2 बैट्समैन लेकर चलना चाहे तो 2 बैट्समैन भी अच्छे हैं, कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जिन पर 3 बैट्समैन लेने ही लेने हैं तो उन पर आप 3 बैट्समैन लेना, यानी कि 3 से ज्यादा बैट्समैन ले लूंगा। ऑलराउंडर में 2 या 3 ले सकता हूं, बॉलर्स आज मैं 4 या 5 बॉलर्स में आराम से लेने वाला हूं, जो टीम का स्ट्रक्चर है, जिस तरह की पिच रिपोर्ट्स है और जिस तरह की प्लेइंग 11 है दोनों टीमों की, ये हमारे लिए बेस्ट होने वाला है एक अच्छी टीम बनाने के लिए। तो ये तो था दोस्तों पिच रिपोर्ट्स। अब बात करते हैं सबसे पहले रियल 11 एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। जिन भाइयों ने डाउनलोड नहीं किया तो वेट मत करो, विनिंग करनी है, लॉस हो चुका है, एसएल और जेल नहीं जीत पा रहे हो तो यहां पर आकर आप आसानी से जीत सकते हो। 5,000 रुपए का आपको यहाँ पर वेलकम बोनस मिलेगा और पहला गेम आपको फ्री खेलने के लिए मिलेगा, गिववे चलते रहते हैं, आप देख रहे हो कि आपके लिए 50,000 रुपए का गिववे है। एंट्री फीस कंपैरिजन की बात करें तो आपका रियल 11 पर 1,099 है, अदर एप्लीकेशन पर वही कॉन्टेस्ट 1,724 रुपए का है, 625 रुपए सेविंग। इसी तरह से आप यहाँ पर लेस कंपटीशन है,
कंपैरिजन अदर एप्लीकेशन की तुलना में अच्छी खासी बचत होती है यहाँ पर, जो कि एक इंपॉर्टेंट बात है, और मैक्सिमम विनिंग के चांसेस ज्यादा इस एप्लीकेशन पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, और ओपिनियन देकर भी आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आपको बताना कि आज का मैच लखनऊ विन करने वाली है या पंजाब विन करने वाली है, लखनऊ की तरफ से कौन ज्यादा सिक्सेस मारेगा, लखनऊ ज्यादा सिक्स मारेगा या पंजाब ज्यादा सिक्स मारेगा, बहुत सारे ओपिनियन चलते रहते हैं जिनका जवाब देकर आप यहां से आसानी से विनिंग कर सकते हो, और मैक्सिमम विनिंग के चांसेस हैं एसएल और जीएल में भी। इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड पहले कर लो। अब बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की। दोनों टीमों के बीच एक ही मैच खेला गया है, वही मैच एलएसजी ने जीता है, एलकेएन ने जीता है, लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीता है। हालिया परफॉर्मेंस, चार मैच इन्होंने खेले हैं, तीन में इन्होंने विन किया है। इन्होंने भी चार मैच खेले हैं, दो में इन्होंने विन किया और दो में इन्होंने लॉस किया। परफॉर्मेंस दोनों की ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई सी टीम की ज्यादा खराब है या एक वीक टीम स्ट्रॉन्ग टीम है, ऐसा नहीं है। लेकिन एलएसजी, एक तो परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी पंजाब से ज्यादा है, और दूसरा ये अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी, तो एलएसजी की ही तरफ से आप ज्यादा प्लेयर्स ले सकते हैं। हो सके तो आप एलएसजी की तरफ से ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइएगा जीएल और एसएल में। तो ये थी दोस्तों हमारा हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो लोकेश राहुल, कार्ल मार्क्स ओपनिंग कर रहे हैं, दीपक हुड्डा, कुणाल पांड्या, मार्कस टोनिक्स, निकोलस पुरन और आयुष बोडोनी, मार्क वुड, जयदेव नादकट, अवेश खान, रवि बिश्नोई, अमित मिश्रा, ये 12 प्लेयर्स हैं। मैंने एक इंपैक्ट प्लेयर्स को भी यूज किया हुआ है, आयुष बोडोनी शायद हो सकते हैं इंपैक्ट प्लेयर्स में हो, या फिर अमित मिश्रा इंपैक्ट प्लेयर्स के रूप में आते जाते रहते हैं। तो ये इनकी प्लेइंग 11 है। बॉलिंग की बात करें तो चार और पूरे बॉलिंग करेंगे रवि बिश्नोई, अवेश खान भी तकरीबन तीन से चार ओवर बॉलिंग करने वाले हैं, उनादकट दो ओवर बॉलिंग करेंगे, मार्क वुड चार ओवर बॉलिंग करेंगे, और कुणाल पांड्या भी पूरे चार ओवर बॉलिंग करें लास्ट के दो मैचों से। मार्कस टोनिक्स से एक आध ओवर कर सकते हैं, नहीं तो फिर अमित मिश्रा भी दो के से चार के बीच ओवर करने वाले हैं। मैन बॉलर सेंट के दोस्तों बिश्नोई हो गए, अवेश खान हो गए और मार्क वुड, ये पूरे चार चार ओवर बॉलिंग करते हुए दिखा देंगे, जिसमें से चांसेस कुणाल पांड्या के भी हैं। तो बाकी के चार ओवर दो ओवर उनादकट और अमित मिश्रा में से कोई एक कर सकता है, दो दो ओवर ये बाकी के चार ओवर करने वाले हैं। अगर नहीं खेलते हैं उनादकट तो फिर अमित मिश्रा पूरे चार ओवर कर सकते हैं, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर्स का नियम है। अब इनकी रिसेंट फॉर्म कैसी है, किसका सेलेक्शन कितना है, कौन ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स है, कौन कितने ओवर बॉलिंग कर रहा है और कौन कितने विकेट्स निकाला, उसके आधार पर प्लेयर सेलेक्ट करते जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लोकेश राहुल की। बैट्समैन में सबसे अच्छे ऑप्शन आज, क्योंकि आज एक तो ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन में चार या पांच ही ऑप्शन है, तो आप अदर एप्लीकेशन पर खेल लो तो दो बना सकते हो, और रियल 11 पर तो तीन लेकर चलने ही चलने हैं, तो तीन बैट्समैन ले सकते हो। तो लोकेश राहुल 18, 35, 20, 8, 32, यानी कि बैट्समैन में ज्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए लोकेश राहुल एक अच्छे पिक है, इनको जरूर ट्राई करना। और रिसेंट फॉर्म भी ठीक है इनकी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब है, और कभी भी बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं, तो इसलिए अच्छे खासे पिक रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। कार्ल मार्क्स दोस्तों शुरुआत मैचों में तो इसका अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन लास्ट के दो मैचों से फिलहाल फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑलराउंडर ऑप्शन में है और आपके लिए अच्छे खासे पिक हो सकते हैं, पावर प्ले में एक ओवर ये बॉलिंग कर जाते हैं, तो इसलिए ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है और जिस तरह का इनका सिलेक्शन है, इनको टीम में रखना ही रखना, इन पर मैं कंफ्यूज हूं, फिलहाल मैं इनको लेकर चल रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इनकी जगह पर किस दूसरे प्लेयर्स को ले सकते हैं, क्योंकि शुरू में तो इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके बाद थोड़ा धीमे चल रहे हैं, हो सकता है आज के मैच में भी परफॉर्मेंस ना करे, तो ठीक ठाक ऑप्शन है, इन पर थोड़े कंफ्यूज हैं, लीन को लें ड्रॉप करें, बाकी देख लेना आप। रिसेंट फॉर्म तो ठीक थी लेकिन दो मैचों से उतनी अच्छी नहीं है। अब दोस्तों दीपक हुड्डा भी बैट्समैन ऑप्शन में है, जीएल के लिए आज के मैच में अच्छे खासे पिक हो सकते हैं, ज्यादा बैट्समैन ऑप्शन नहीं है तो ये बैट्समैन ऑप्शन में एक आज के मैच में तीन नंबर पर बैटिंग ऑर्डर, सिलेक्शन 20%, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जीएल में, तो उनको जरूर ट्राई करना। एसएल के लिए भी आज अच्छे खासे पिक हो सकते हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, क्योंकि एक तो ऑप्शन ज्यादा नहीं है, जो अच्छे ऑप्शन है दो ही हैं, एक तो लोकेश राहुल हो गए, एक शिखर धवन हो गए, यही दो अच्छे ऑप्शन है, तीसरा तो भानुका राजापक्सा और दीपक हुड्डा है, और तो ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए दीपक हुड्डा ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स बिल्कुल हो सकते हैं। कुणाल पांड्या दोस्तों रिसेंट फॉर्म ठीक है, इस मैच में तो इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, 34 रन बनाए थे, तीन विकेट्स लिए थे, जो कि इन्होंने इसी वेन्यू पर लिए थे,
अच्छा खासा है, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स ठीक है, रिसेंट फॉर्म ठीक है, आज के मैच में भी ये 3 से 4 ओवर बोलिंग करेंगे और प्लस बैटिंग बैकअप 4 नंबर पर है, तो अच्छे खासे पिक होंगे। जीएल में सीवीसी भी आप इनको जरूर बनाकर चलिएगा, क्योंकि ये इंपैक्ट वाली इनिंग्स दे सकते हैं। जैसे इस मैच में 34 रन 3 विकेट लिया, तो उसी तरह की ये पिच है, उसी वही पिच है, तो अच्छा खासा ये परफॉर्म कर सकते हैं। मार्कस स्टोनिक्स लास्ट मैच में इन्होंने अच्छे खासे रन बनाए, 65 रन, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा कम स्कोर होने की उम्मीद कर रहा हूं, तो उस सिचुएशन में मैं मार्कस स्टोनिक्स को कंफर्म ड्रॉप करने वाला हूं, क्योंकि ये कभी कभी इतना बड़ा स्कोर करते हैं। एक तो कारण ये है, रिकॉर्ड्स भी ठीक ही है इनके, ज्यादा अच्छे नहीं है, 28 का एवरेज है, वेन्यू पर 22 का एवरेज है, आईपीएल में 26 का एवरेज है, उतने अच्छे पिक नहीं है। एक तो बैटिंग ऑर्डर भी 5 नंबर पर है और थोड़ा स्लो मैच होगा, तो उतने अच्छे पिक फ्रेम मेरे हिसाब से नहीं रहने वाले, इसलिए मार्कस स्टोनिक्स को आराम से ड्रॉप कर सकते हैं। निकोलस पूरन जबरदस्त फॉर्म में है, विकेट्स के ऊपर ऑप्शन में है, हालांकि दूसरे भी विकेट्स के ऊपर जितेश शर्मा है, जिनको मैं पिछले मैच में भी ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स के रूप में यूज किया था, लेकिन निकोलस पूरन थोड़ी ज्यादा बेस्ट फॉर्म में है, और जिस तरह की बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, तो मैं 2 विकेट्स के ऊपर तो नहीं लेने वाला, इसलिए मैं 1 विकेट्स के ऊपर कोई अपनी टीम में लेकर चलूंगा, जो कि या तो निकोलस पूरन हो गए या जितेश शर्मा हो गए, लेकर मैं एक ही को चलूंगा जो हमारा स्ट्रक्चर था, जिसमें निकोलस पूरन ज्यादा अच्छे पिक मेरे को लग रहे हैं आज के मैच में। फिर दोस्तों आयुष बडोनी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में भी यूज हो सकते हैं, कभी भी अंदर बार हो सकते हैं, रिसेंट फॉर्म 30-23-18 ठीक ठाक है, थोड़ी स्लो पिच है, हेड टू हेड खराब है, वेन्यू पर खराब है, तो फिर भी मैं इनको आसानी से ड्रॉप कर सकता हूं, इन पर मैं रिस्क नहीं लेने वाला, क्योंकि एक तो ये बैट्समैन ऑप्शन में है और बैट्समैन में ज्यादा ऑप्शन भी नहीं हो, और जो अदर ऑप्शन है वो ज्यादा अच्छे हैं, तो उनके साथ जाएंगे, इनको आसानी से ड्रॉप कर सकते हैं। मार्कवुड को दोस्तों मैं हर स्थिति में और लेकर चलूंगा, 5 विकेट्स 3 विकेट्स 1 विकेट, 3 मैच खेले हैं, 9 विकेट्स निकाले हैं, इसी पिच पर इन्होंने 1 मैच खेलते हुए 5 विकेट्स निकाले, आईपीएल में 3 ही मैच खेले हैं, 9 विकेट्स निकाले हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर हैं, मैं इनको जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर चलूंगा, टीम में तो उनको लेकर चलना ही चलना है। जयदेव नाटकट रिसेंट फॉर्म 3 ही मैच खेले, 3ों में खराब परफॉर्मेंस, हेड टू हेड 1 मैच खेला है, 1 विकेट, वेन्यू पर खराब परफॉर्मेंस, आईपीएल में भी ठीक ही है, तो फिलहाल मैं उनादकट को ड्रॉप करूंगा। आवेश खान की बात करें दोस्तों, इनका रिसेंट फॉर्म ठीक है, 6 है वो इसमें तो 6 थी, यहाँ पर आईपीएल में 2-1-0, हेड टू हेड ठीक है 3 मैचों में 2, वेन्यू पर अच्छा है जो कि खेला था, 2 विकेट निकाले थे, आईपीएल में भी ठीक है। सेलेक्शन कितना है आवेश खान का? 9%, मैच स्टार्ट होने से पहले 10-12% हो जाएगा, इसीलिए फर्स्ट बॉलिंग के केस में आप इनको जीएल में तो कंफर्म ट्राई करना, ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स होंगे या मैं लिख देता हूं ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हो सकते हैं, आवेश खान जरूर ट्राई करिएगा इनको। फिर दोस्तों बात करते हैं रवि बिश्नोई और अमित मिश्रा की, अमित मिश्रा थोड़े वो इंपैक्ट प्लेयर्स हो सकते हैं, बिश्नोई को हर स्थिति में लेकर चलना, फर्स्ट बॉलिंग हो सेकंड बॉलिंग हो, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट बॉलिंग करें और स्पिनर्स को सेकंड में ज्यादा विकेट्स मिलते हैं आप इनको ड्रॉप करो, आप इनको फर्स्ट बॉलिंग में भी लेकर चलना, सेकंड बॉलिंग में भी लेकर चलना, परफॉर्मेंस ठीक है बंदेगा, 3-1-0, लास्ट मैच में कोई विकेट मिला कोई बात नहीं, इस मैच में आसानी से विकेट्स निकालेंगे, वेन्यू पर भी 3 विकेट्स निकाले 2 मैचों में, हेड टू हेड भी अच्छा, आईपीएल में भी ठीक है, तो ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स रहेंगे, इनको किसी टीम में जीएल में विसी बनाकर चल सकते हो, क्योंकि कभी भी बंडल में विकेट्स निकाल सकते हैं, टीम में इनको कंफर्म लेकर चलूंगा। अब दोस्तों 12वें प्लेयर्स इंपैक्ट प्लेयर्स के रूप में जो यूज हो सकते हैं या प्लेइंग 11 में जो यूज हो सकते हैं वो है अमित मिश्रा, 2 विकेट्स 1 विकेट, 2 मैच खेले हैं, अच्छी खासी फॉर्म में है, वेन्यू पर 1 मैच खेला था, 2 विकेट्स है, तो अमित मिश्रा भी आज में ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स होने वाले हैं, इनका भी 10-12% 20% सेलेक्शन है, इनको भी जरूर ट्राई करिएगा ग्रैंड लीग में, एसएल में भी थोड़े रहेंगे, एसएल में थोड़े रिस्की, लेकिन जीएल के लिए अच्छा खासा रिस्की ऑप्शन रहने वाले हैं। अब पंजाब की प्लेइंग 11 की बात करें तो दोस्तों प्लेइंग 11 है शिखर धवन, प्रभु सिमरन सिंह, मैथ्यू शॉर्ट्स, राजापक्षा की जगह पर लिविंग स्टोन आपको शायद आज के मैच में खेलते हुए दिखाई दे, एक्सेप्ट कर रहे थे कि पिछले मैच में भी खेलेंगे, लेकिन वही 2 प्लेयर्स थे कि या तो राजापक्षा खेलेंगे या लिविंगस्टोन, राजापक्षा खेले उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, तो यहां पर लिविंगस्टोन आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। फिर दोस्तों जितेश शर्मा, सैम कुरान, शाहरुख खान, फिर दोस्तों हरप्रीत बरार, कगिसो रबाडा, राहुल सैर, अर्शदीप सिंह, और फिर इंपैक्ट प्लेयर्स में है ऋषि धवन, ये इनकी प्लेइंग 11 है। अब इनमें से डेथ के बॉलर्स आपको पता ही है, रबाडा और अर्शदीप सिंह डेथ में कभी कभी सैम कुरान भी कर जाते हैं, अब इनकी परफॉर्मेंस कैसी है दोस्तों वो भी देख लेते हैं, और किस प्लेयर्स को लेना है किसको ड्रॉप नहीं करना, वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर देना। तो दोस्तों शिखर धवन बैट्समैन ऑप्शन में है, रिसेंट फॉर्म ठीक है, 40-86-99, लास्ट मैच में थोड़े एवरेज है,
वेन्यू पर खराब है थोड़ा, है 5 का ही एवरेज है, हेड टू हेड वेन्यू पर पहली बार खेलेंगे, आईपीएल में 32 का एवरेज है, बैट्समैन ऑप्शन में ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ये डिसेंट पिक है, ये और लोकेश राहुल दोनों को लेकर चलना। पी सिंह को ड्रॉप करो दोस्तों, पीछे भी बताया था कि ये बंदा आते ही हिटिंग करता है, बल्ला चल जाए तो ठीक है, 10 मैचों में से 2 मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, 8 मैचों में ऐसा ही रहेगा, 0-23, 0-0 वही हुआ, तो इसलिए आज भी इनको आसानी से आप ड्रॉप कर सकते हो, उतना अच्छा पिक नहीं रहेगा। विकेट कीपर ऑप्शन में है लेकिन विकेट कीपर एक ही लेकर चल रहा, तो निकोलस पुरोन अच्छे है तो उनको लो, अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो जितेश शर्मा के साथ जाओ, मेरे हिसाब से पी सिमरन सिंह उतने अच्छे नहीं रहेंगे। मैथ्यू शॉर्ट्स लास्ट मैच में ठीक खेला बंदा, 36 रन बनाए 24 गेंदों पर, एक और बॉलिंग भी की, अच्छे खासे पिक रह सकते हैं अगर बॉलिंग करते हैं तो। ऑलराउंडर ऑप्शन में फिर भी 20-25 रन ये बना सकते हैं, ठीक ठाक प्लेयर्स है, इनको ट्राई कर सकते हो आप। भानुका राजा पक्षा को दोस्तों ड्रॉप करो, जिस तरह की पिच है ज्यादा बैट्समैन हम लेकर नहीं चलने वाले, शायद हो सकता है विकेट कीपर ऑप्शन में भी हो या बैट्समैन में भी हो, तो उतने अच्छे पिक फिलहाल नहीं रहेंगे क्योंकि बैट्समैन ने पहले ही 2 या 3 बैट्समैन लेकर चलने, जिस पर एप्लीकेशन पर 3 लेकर चले हैं उस पर तो 3 तो लेकर चलनी है, उसमें आप राजा पक्षा को ले लेना। अगर 3 ही बैट्समैन है और तो कोई तीसरे अच्छे यही है, या तो दीपक हुड्डा है या भानुका राजा पक्षा है, तो इसलिए जिस एप्लीकेशन पर आप 2 बैट्समैन ले रहे हो तो उस पर तो करो ड्रॉप, जिस पर 3 ही लेने हैं फिर तो ये डिसेंट पिक हो जाते हैं, या फिर इनकी जगह पर हो सकता है ये मैच में ना खेले लिविंगस्टोन खेलते हैं तो इनको फिर मैं ड्रॉप भी कर सकता हूं। जितेश शर्मा दोस्तों विकेट कीपर ऑप्शन में है, सामने दूसरे विकेट कीपर कौन है, निकोलस पुरोन, जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा है और लास्ट मैच में इस आईपीएल की सबसे तेज 50 भी लगा दी। जितेश शर्मा भी 25-4, 27-21 बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं ये, एकाधी टीम में तो जीएल में इनको जरूर ट्राई करना, जितेश शर्मा को 1-2 टीम में तो जरूर ट्राई करना, हो सकता है निकोलस पुरोन 1-2 मैच में फ्लॉप हो जाए तो कहीं ना कहीं ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हो सकते हैं क्योंकि इसके पास काबिलियत है, लेकिन निकोलस पुरोन रिसेंट फॉर्म उनकी जबरदस्त चल रही है, इसीलिए मैं फिलहाल निकोलस पुरोन को ही प्रेफर करूंगा। सैम कुरान दोस्तों इनको भी लेकर चला है, 4 और बॉलिंग करेंगे प्लस रिसेंट फॉर्म ठीक है, 22 रन 0 विकेट 22 रन 1 विकेट, उतनी अच्छी नहीं है जितनी एक्सेप्ट की जा रही थी इनसे कि अच्छी खासी फॉर्म देंगे, लेकिन डिटी प्लेयर्स रहते हैं, किसी मैच में रन बनाते हैं, किसी मैच में विकेट लेते हैं, किसी में रन भी और विकेट भी, अच्छे खासे पिक रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन आप इनको चाहो तो बनाकर चल सकते हो। फिर दोस्तों शाहरुख खान की बात करें, प्लेयर्स अच्छे हैं लेकिन मैं इनको ड्रॉप करूंगा, बैट्समैन ऑप्शन में है उतने अच्छे पिक नहीं देंगे, एक तो बैटिंग ऑर्डर 7 नंबर पर है और बैट्समैन में पहले ही उतने अच्छे ऑप्शन है तो इन पर रिस्क भी नहीं ले सकते, अगर बैटिंग विकेट होती तो लो सिलेक्शन में कहीं ना कहीं इन पर रिस्क लिया जा सकता था, लेकिन फिलहाल इनको आसानी से ड्रॉप करते हैं। हरप्रीत बराड़ लास्ट मैच में 4 ओवर बॉलिंग की, 1 विकेट निकाल ली, अच्छे खासे पिक हो सकते हैं बराड़, जीएल में 4% सिलेक्शन है इनका, इनको जरूर जीएल में ट्राई करना, कॉम्बिनेशन को ट्राई करते हुए, कब ट्राई करना है, अगर टीम सेकंड बॉलिंग करती है, फर्स्ट बॉलिंग में बराड को आसानी से ड्रॉप कर देना, सेकंड बॉलिंग में आप इनको एज ए ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स 1-2 टीम में ट्राई करना। रबाडा अच्छे खासे प्लेयर्स हैं, लास्ट मैच में शायद इनको 1 विकेट मिला भी हो या नहीं मिला ध्यान है, लेकिन प्लेयर्स ठीक है, डेथ में बॉलिंग करेंगे, पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, विकेट टेकिंग बॉलर्स है, हालिया दिनों में रिसेंट फॉर्म उतनी अच्छी नहीं आई, इस मैच में तो इनको विकेट मिला था लेकिन इससे पहले भी ये 0-0 ऐसे ही चले थे, यानी कि रिसेंट फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन प्लेयर्स अच्छे हैं, हेड टू हेड 1 मैच खेला जिसमें 4 विकेट निकाल ले, यानी कि ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हो सकते हैं, सिलेक्शन भी हाई रहने वाला है, ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप कर सकते हो, लेना चाहो ले सकते हो, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स को से भी लेकर चलेंगे जो का नाम बड़ा है, डेथ में बॉलिंग करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि लेकर चलना ही चलना, ड्रॉप करना चाहो तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। राहुल चैर आज के मैच में 1 ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स होने वाले हैं, लास्ट मैच में इनको कोई विकेट नहीं मिला लेकिन खेलते हैं तो इनको जीएल में जरूर ट्राई करना। देखो 3-4 प्लेयर्स बताता हूं मैं ग्रैंड लीग पिच के लिए, जिनमें से 2 को तो आपको ट्राई करना ही करना होता, जिसमें से राहुल चैर आज इंपैक्ट वाले प्लेयर्स हो सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों 11 नंबर पर है अर्शदीप सिंह, इनको मैं टीम में कंफर्म लेकर चलूंगा ही चलूंगा, हमेशा कैप्टन वाइस कैप्टन आप इनको बनाते रहना, विकेट तो ये निकालेंगे निकालेंगे, 4 ओवर बॉलिंग करेंगे, 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, ऐसा कोई मैच नहीं है जिसमें इनको विकेट नहीं मिल रहा हो, तो विकेट टेकिंग बॉलर्स है, हेड टू हेड तो इनको विकेट नहीं मिला, वेन्यू पर भी थोड़ा कम ही है लेकिन अच्छे खासे प्लेयर्स हैं, इनको जरूर ट्राई करिएगा और फर्स्ट बॉलिंग के केस में इनको सीवीसी जरूर बनाकर चलिएगा, केवल फर्स्ट बॉलिंग के केस में, ऋषि धवन को आसानी से ड्रॉप कर सकते हैं, इंपैक्ट प्लेयर्स के रूप में आ सकते हैं। ये था दोस्तों प्रेडिक्शन, अब क्या मेरी टीम बनकर तैयार हुई है,
ये दोस्तों मेरी टीम बनकर तैयार हुआ है। विकेट्स कीपर में मैंने आराम से निकोलस पोरन को लिया हुआ है एसएल की टीम में। जीएल की टीम में ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स को आपको यूज करना ही करना है, लोकेश राहुल, शिखर धवन और राजापक्षा। राजापक्षा नहीं खेलते हैं तो फिर यहाँ पर आसानी से दीपक हुड्डा ही आने वाले हैं, तो मैं दीपक हुड्डा को अपनी टीम में ले लूंगा। अगर नहीं खेलते हैं तो सैम कुरान, कुणाल पांड्या इंपोर्टेंट होंगे। कायल मायर्स को भी मैं ड्रॉप कर सकता हूं, कायल मायर्स को। अगर लिविंग स्टोन खेलते हैं तो मैं यहाँ पर कंफर्म लिविंग स्टोन को लूंगा ऑलराउंडर में, अगर कायल मायर्स लिविंग स्टोन खेलते हैं तो। फिर दोस्तों रबाडा, अर्शदीप सिंह, मार्कवुड और रवि बिश्नोई, बाकी मेरे 9 प्लेयर्स फिक्स रहने वाले हैं। इन 2 प्लेयर्स में से ये नहीं खेलते हैं तो दीपक हुड्डा और लिविंग स्टोन खेलते हैं तो मैं कायल मायर्स की जगह पर ले सकता हूं लिविंग स्टोन को, या फिर लिविंग स्टोन की नहीं खेलते हैं और कायल मायर्स की जगह पर मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ भी जा सकता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से लास्ट मैच की तरह बहुत कम स्कोर होने वाला। मैं 150 से 160 के बीच ही स्कोर मार रहा हूं, 150 से नीचे होगा, 146 से 148 के बीच स्कोर होने वाला, इसलिए मैं ड्रॉप करने वाला हूं। कैप्टन दोस्तों मेरा मार्कवुड है, वाइस कैप्टन लोकेश राहुल है एसएल की टीम में। जीएल की टीम में मैं वाइस कैप्टन कर सकता हूं रवि बिश्नोई को, अर्शदीप सिंह को, ज्यादातर मैं बॉलर्स में इसी बीच रखूंगा। और ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स है जैसे मैं रबाडा की जगह पर चाहर को ट्राई करूंगा जीएल की टीम में, पहले बता देता हूं। और जो प्रेडिक्शन करते हुए जीएल के प्लेयर्स बताए हैं उनको आप भी ट्राई करिएगा, जब तक लो सेलेक्शन वाले प्लेयर्स को ट्राई नहीं करेंगे तो जीएल नहीं आएगी। अपॉर्चुनिटी उनके पास कम होती है लेकिन वही प्लेयर्स हर मैच में ग्रैंड लीग विन कराते हैं। जो भी विन करता है बिना ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स, बिना रिस्क लिए, बिना लो सेलेक्शन के प्लेयर्स को लिए, कभी भी जेल भी नहीं करता। और एसएल में भी एक प्लेयर्स तो आपको ऐसा रखना होता है जो ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हो, उसी के दम पर ही एसएल भी विन होती है, या फिर आप कैप्टन वाइस कैप्टन यूनिक रखो। तो बाकी जो कुछ चेंज होगा दोस्तों मेरी टीम में, कैप्टन फिलहाल तो मैंने बता दिया मार्कवुड है, बीसी मेरा लोकेश राहुल, कैप्टन तो मैं मार्कवुड को ही रखूंगा। बीसी हो सकता मैं चेंज कर दूं, जो कि बोदर्स में से जाना चाहूं तो मैं अर्शदीप सिंह, बिश्नोई या फिर कुणाल पांड्या को वीसी बना सकता हूं। जो भी कुछ होगा टॉस के बाद प्लेइंग 11 क्या होती है, उसके बाद क्या किस प्लेयर्स को अंदर बाहर करते हैं वो होगा पता चलेगा दोस्तों टॉस के बाद, इसलिए फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को पहले ज्वाइन कर लो। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों नमस्कार।